वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट टू पर। इससे पहले पार्ट वन में हमने बात की थी कि किसी भी सीरीज का एनवा टर्म कैसे ज्ञात करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हमने उस वीडियो में बात की थी। अब हम पार्ट टू में बात करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कि वैल्यू को एज्यूम करके किस प्रकार अपने क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से एज्यूम करके वैल्यू को एपी सीरीज के क्वेश्चन हैंडल करेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि इफ एम्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज एन स्क्वायर एंड एन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज एम स्क्वायर देन एम प्लस एन टर्म ऑफ ए पी इज। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद एन स्क्वायर तथा एनवा टर्म एम स्क्वायर हो तो एन प्लस एमवा टर्म कौन सा होगा। ये टीजीटी मैथ के लिए है ये वीडियो, और सभी को पता है कि इसको लॉन्ग मेथड से कैसे करते हैं। बुक में बहुत अच्छे मेथड लिखे हुए, ट्रेडिशनल मेथड। तो अपने स्टार्ट करते हैं वैल्यू एज्यूम करके। तो कहता है कि किसी श्रेणी का एमवा पद, तो अपने को पता है कि एमवा पद ऐसे ज्ञात करते हैं, एमवा पद कितना है, एन स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, और एनवा पद एम स्क्वायर है। एमवा पद एन स्क्वायर है, यहाँ लिखा हुआ एमवा एमवा टर्म कितना है, एन स्क्वायर है, और एनवा टर्म एम स्क्वायर है। तो बताओ कहता है एम प्लस एनवा टर्म कितना होगा, ये अपने से मान पूछा है उसने, ठीक है स्टूडेंट। अब अपने क्या करेंगे, अपने m और n की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करेंगे अपने, मान लो m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। अपने एज्यूम कर ली कि m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है, बड़ा लॉन्ग मेथड है, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो टीजीटी मैथ के लिए है। टीजीटी मैथ वालों को ये चीज़ें सब आती है, अपने बस समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो मैं यहाँ m का मान 1 रखता हूँ, m का मान 1 रखा पहले वाले इसमें, तो t1 का मान कितना आ गया स्टूडेंट, n का मान दो रखूँ, t1 का मान 4 आ चुका है, और अब n का मान कितना था, 2 था, और m का मान इसमें भी रख दूंगा तो 1। t1 मतलब इट मीन्स पहला टर्म हमारी कितनी है स्टूडेंट, पहली टर्म हमारी 4 आई, क्योंकि इसने खुद ने बता रखा है t1 कितना है 4। अब t2 कितना है t4, t2 कितना है 1, ऐसे T3 कितना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, -3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो अगला कितना हो जाएगा, -2। T4 निकालना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, -5। इस प्रकार ये चलता रहेगा टर्म, क्योंकि अपने को पता है कि ए पी में है, तो ये अपने पास आ गया, ये निकालने का तरीका है। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ जो अपने पास आंसर तो है एम एन के अंदर, तो अपने इसके अंदर भी एम एन का मान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी अपने एम एन का मान रखा है, तो यहाँ भी एम एन का मान रख सकते हैं ताकि सीरीज ईजी बन जाए। अब देखिए इन चारों पांचों में अपने पास आंसर है, इनमें से अपने को पता है कि, अब देखिए उसने पूछा है कि m प्लस एन, तो यहां भी मैं रखूंगा t1 प्लस 2, क्योंकि m का मान 1 है n का मान, तो t3 इट मीन t3 कितना आया, -2। हमारा आंसर कितना रहा, -2, अगर वैल्यू ज़ूम करने से। यहाँ तो एम एन के अंदर है, तो यहाँ एम एन की वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ तो कभी भी पॉसिबली माइनस, अपने पास माइनस आंसर आना चाहिए, माइनस एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि बाकी सब में प्लस आ रहा है, इसमें तो बटे में रकम आ रही है, ये भी नहीं हमारा आंसर हो सकता। अब इसके अंदर मान रखता हूँ सी के अंदर, -2, एम का मान 1, एन का मान 2, तो कितना है, 2 × 4, -4 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, -2, यहाँ रखूँगा -1, 2, तो कितना है, -2, हमारा आंसर क्या हुआ, डी। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कहता है कि एमवा पद टी स्क्वेयर है, एमवा पद एन स्क्वेयर है, टी एम बराबर एन स्क्वेयर, टी एन बराबर एम स्क्वेयर। तो मैंने एम और एन की वैल्यू ज़ूम कर ली, अपने से पूछा था कि एम प्लस एन का मान बताइए, तो मैंने एम वन यहाँ एम का मान 1 रखा, एन का मान 2 रखा, तो टी वन बराबर कितना आया, 4। फिर मैंने एन का मान 2 रखा और एम का मान 1 रखा, तो टी टू कितना आया। इस प्रकार मैंने टर्म बना ली, टी वन आ रहा है हमारा 4, टी टू आ रहा है हमारा 1, देखा कि सारवंतर कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है, -3, तो फिर मैंने -3 तीसरा मतलब सब्सट्रैक्ट करके निकाला, तो -2, -5। इस प्रकार मैंने यहाँ भी मान एज्यूम किया, तो देखा अब टी एम प्लस एन निकालना था, तो मैंने एम का मान 1 रखा, एन का मान 2 रखा, T3 निकालना है अपने को, T3 कितना था, -2, अब इसमें रखा तो -2 इससे आ रहा है, ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी प्रकार है, ताकि आपको और ज़्यादा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए।
कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद एन बटे एक बटे एन है, कहता है कि टी एम बराबर एक बटे एन है और टी एन बराबर एक बटे एम है। उसी प्रकार मैं एम और एम की वैल्यू ज्यूम कर लेता हूँ। मैंने अपनी तरफ से एम एम बराबर एक रख लिया, एन बराबर दो रख लिया, तो मैं इसमें रखता हूँ एम का मान एक रखा तो ये कितना है एक बटे दो, यहाँ दो रखा तो ये कितना है एक। अपने से चाहिए क्या टी एम इंटू एन चाहिए, तो मुझे टी एक इंटू दो, इट मीन्स टी दो की वैल्यू चाहिए, टी दो की वैल्यू। अपने पास टी वन कितना आया एक बटे दो, टी टू कितना आया एक। अब देखिए यहाँ ग्रोथ हो रही है आधे नंबर आधे की, मतलब डी का मान कितना रहा है एक बटे दो। अगर टी थ्री निकालूँ तो कितना आएगा, एक में आधा और जोड़ूंगा हाफ जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा तीन बटे दो। टी फोर कितना आ जाएगा दो। अपने से चाहिए क्या टी टू चाहिए, क्योंकि अपने को टी टू क्यों चाहिए क्योंकि उसने एम प्लस एन का मान पूछा है, तो मैंने एम इंटू एन का मान लिख लिया। तो अब देखिए पहले टी एम कितना था एक बटे एन, टी एन कितना था एक बटे एम, उसने टी एम इंटू एम पूछा है तो इट मीन्स टी टू पूछा है उसने, तो टी टू तो अपने पास आया हुआ है एक, तो देखिए एक वैल्यू कौन सी है हमारा आंसर ये। अगर वो टी थ्री पूछता तो अपने देखेंगे टी थ्री कितना है तीन बटे दो, तो इसमें तीन बटे दो देखेंगे किसका आंसर है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद एक बटे एन तथा एनवा पद एक बटे एम हो तो एम प्लस एनवा पद कौन सा होगा। यहाँ मैंने आंसर नहीं दिए तो अपने फिर भी उसको एज्यूम करके वैल्यू देख लेते हैं। टी एम कितना दे रखा है एक बटे एन, टी एन कितना दे रखा है एक बटे एम, तो टी एम प्लस एन ज्ञात करना है अपने को। वही सेम कंडीशन एम और एन के मान मैं पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ से एक आया तो कितना एक बटे दो, टी टू कितना आया एक आ गया। अब अपने को चाहिए टी एम प्लस एन, एम का मान रखता हूँ एक प्लस दो, इट मीन्स टी थ्री की वैल्यू चाहिए। अपने पास टी वन तो स्टूडेंट कितना आ गया टी वन आ गया एक बटे दो, टी टू कितना आ गया एक। अब टी थ्री कितना निकालूंगा, अब देखिए डी कितना आ रहा है, डी का प्लस हाफ जुड़ रहा है सब में, तो यहाँ प्लस हाफ जुड़ूंगा तो कितना आएगा तीन बटे दो, तो टी थ्री कितना आ रहा है स्टूडेंट तीन बटे दो। अगर यहाँ अपने पास एम और एन में वैल्यू दे रखी होगी आंसर में, अपने एम और एन की वैल्यू रखेंगे, अगर जिसका मान तीन बटे दो आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इसी प्रकार का है, ये सब किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं तो अपने करके देखते हैं आगे क्वेश्चन। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है, कहता है कि टी पी बराबर क्यू है और क्यूवा पद, पीवा पद क्यू है, कहता है टी पी बराबर क्यू है और टी क्यू बराबर पी है, तो टी P प्लस क्यू का मान बताइए कितना होगा ये पूछा। तो मैं P और क्यू की वैल्यू ज़ूम कर लेता हूँ, वही मेरा सेम फंडा है, वैल्यू ज़ूम कर ली तो टी पी वन का मान रखता हूँ कितना आएगा दो और टी टू का मान रखता हूँ क्यू का मान दो रखा तो कितना है एक। अपने को चाहिए क्या टी पी प्लस क्यू, तो मैं यहाँ एक प्लस दो रख लेता हूँ कितना है टी थ्री, टी थ्री की वैल्यू चाहिए अपने पास। टी वन स्टूडेंट आ रहा है दो, टी टू आ रहा है एक, इट मीन्स अपने पास ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है माइनस एक, अपने पास सारा मंत्र कितना है माइनस एक। अब अगर टी थ्री निकालूंगा तो ये कितना आएगा स्टूडेंट माइनस एक इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा जीरो, तो टी थ्री कितना है क्या जीरो, तो हमारे पास टी थ्री की वैल्यू होगी जीरो, जीरो जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, पी क्यू की वैल्यू रखने पर जो आंसर जीरो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। अब ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि टी वन दो आ रहा है, टी टू वन आ रहा है, तो टी थ्री कितना आएगा जीरो, टी फोर कितना आएगा माइनस वन, टी फाइव कितना आएगा माइनस टू, क्योंकि उसने बता रखा है कि ये समांतर श्रेणी चल रही है, ये सब समांतर श्रेणी है, तो अपने समांतर श्रेणी का मान निकाल सकते हैं। अब ये तो थे एज्यूम वैल्यू करने वाले। अब कुछ क्वेश्चन किसी इस प्रकार भी आते हैं अपने को, ये देखिए कहता है कि समांतर श्रेणी के पदों का चयन। अब पदों का चयन करना है अपने को, टर्म्स का चयन करना है, वो अपने को पता होना चाहिए। अगर वो नहीं बताता कि तीन टर्म है, कहता कि मान लो तीन समांतर श्रेणी में संख्याएं दे रखी हैं, तो अपने को कौन कौन सी माननी है वो संख्या, यही मानेंगे तभी आंसर आएगा। अगर उसने उसको उसने उसने नहीं बताया, अगर तीन नंबर दे रखे हैं, अगर वो तीन नंबर समांतर श्रेणी में हैं तो अपने को मान्य होंगे a माइनस डी, ए ए प्लस डी, ये मान्य होंगे। मैक्सिमम तीन और चार पे देता है वो, अगर तीन, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने इसी के लिए दे रखे हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। अगर चार अपने को टर्म्स दे, चार नंबर दे रखे हैं तो वो टर्म कैसी बनेगी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। अगर फाइव दे रखी है तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। अगर सिक्स दे रखे हैं ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस ए फाइव डी। अगर ऐसी टर्म दे रखी है अपने को,
अगर तीन तीन नंबर दे रखे हैं तो टर्म ये बनेगी, चार नंबर दे रखे हैं तो टर्म ये बनेगी, पांच नंबर दे रखे हैं तो टर्म ये बनेगी, छह नंबर दे रखे हैं तो टर्म ये बनेगी। अब किस प्रकार बनेगी क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट कहता है कि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। अपने को क्या पता है तीन संख्याएं कौन सी समांतर श्रेणी में है, तो मैंने कहा था तीन संख्याएं हैं अगर समांतर श्रेणी में तो अपने को टर्म ये माननी है। तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि उनका योग -3 है तथा गुणनफल 8 है तो नंबर बताइए। वो कहता कि वो संख्या बताइए कौन कौन सी है, अपने को तो पता ही नहीं कौन सी तीन नंबर है। अगर नहीं पता तो अपने कौन से नंबर मानेंगे समांतर श्रेणी में, ये तीन नंबर मानेंगे a-d। तो माना वो तीन संख्याएं कौन सी है स्टूडेंट, पहली संख्या तो है स्टूडेंट a-d, दूसरी संख्या है a, तीसरी संख्या a+d। कहता है कि वो तीन संख्याएं ये हैं जो AP में ये हैं। अब उसने कहा है कि ये तीनों का योग -3 है, अब तीनों को जोड़ दो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन वो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन कह रहा है कि तीनों का योग स्टूडेंट, मैंने तीनों को जोड़ दिया और किसके बराबर रखा -3 के, क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि तीनों का योग कितना है स्टूडेंट, तीनों का योग -3 के है। अब मैं देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, डी से डी कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, मैंने कैंसिल कर दिया, ए 1, 2, 3 तो 3A बराबर -3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -1, ए की वैल्यू कितनी आएगी -1। ये तो थी कंडीशन वन से, कंडीशन वन से मैंने ए का मान निकाल लिया। अब कंडीशन टू कहती है कि इनका गुणनफल 8 है, तो मैंने इनको गुना भी कर दिया आपस में, मल्टीप्लाई किया, ठीक है सुनो, a माइनस b a प्लस वाली कंडीशन लगा दी मैंने, ये तो मैथ वालों को पता ही होगी। अब आपस में मैंने गुना किया, अब a की वैल्यू तो मैंने यहां से निकाल ली थी, a की वैल्यू रख लेता हूं मैं यहां से, यहां भी रख सकता हूं, रखूंगा दो मिनट रुकिए, तो ये कितनी आ गई -8 आ चुका है। अब देखिए अपने को a की वैल्यू निकाल ली, अब d की वैल्यू निकालूंगा यहां से, d की वैल्यू निकाल के देखता हूं कितनी आती है, तो देखिए कितनी आएगी a² + 8, क्योंकि माइनस वाला इधर आ जाएगा ये उधर चल जाएगा, तो d² ए की वैल्यू कितनी थी -1 मैंने दोबारा से रख दी, ये कितना आ गया 9, तो d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ये 9 आ गया, d की वैल्यू आई अपने पास +3 -3, दो वैल्यू आ गई अपने पास, a की वैल्यू आई अपने पास -1 और d की वैल्यू कितनी आई 3, एक बार 3 प्लस लेंगे एक बार क्या लेंगे -3, ये दो वैल्यू आ चुकी है अपने पास, इन दो डी की दो वैल्यू है क्योंकि दो सीरीज बनेंगे अपने पास। अब ए की वैल्यू एक रखिए यहाँ -1 -3, ये कितना है -1, ये कितना है -1 + 3, एक सीरीज तो ये बन चुकी है -4 -1 2, ये सीरीज बन चुकी है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये इसकी पहली सीरीज है, ठीक है। उसके बाद कहता है दूसरी सीरीज है कि मैं ये मान रखता हूँ -1 + 3, क्योंकि पहले तो ये वाला मान रखा है डी की दो वैल्यू जो दो सीरीज बनेंगी है, अब कितना है -1, अब कितना है -1 -4 -3, ठीक है स्टूडेंट, ये आया 2 -1 -4, एक सीरीज तो ये रही एक सीरीज ये रही, क्योंकि डी की वैल्यू दो आई हैं तो दो सीरीज बनेगी। अब आप निकाल सकते हैं क्या कहेगा इनका योग, अब इनको जोड़ के देख लिए इनका योग -3 बनेगा, तो -4 और -1 कितने थे -5 और +2 कितना है -3, ठीक है पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। इनका गुणनफल 8 है, 4 × 8 -से -+ हो गया तो 8 भी हमारा आंसर आ गया। अब इनको जोड़ के देखिए इनका भी -3 बनेगा और 8 बनेगा, तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, कहता है यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोण समांतर श्रेणी में हो तथा सारमंतर 10 हो तो चारों कोणों का मान क्या होगा। अब चतुर्भुज के चारों कोण मतलब चार नंबर दे रखे हैं और चारों क्या समांतर श्रेणी में है, अगर तीन थे तो ये बनेगी, अगर चार हैं तो ये अपने को एज्यूम करनी पड़ेगी कि वो समांतर श्रेणी ये है, तो अपने एज्यूम करके चलते हैं। कहता है कि वो चार नंबर ये हैं स्टूडेंट। अब कहता है कि चतुर्भुज के सभी कोण समांतर श्रेणी में है तो सारमंतर 10 है, अपने पास सारमंतर कितना दे रखा है 10 दे रखा है, वो अपने बाद में बात करेंगे। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है स्टूडेंट, अब चार कोण तो ये रहे जो समांतर श्रेणी में, तो चारों कोणों का योग कितना होगा स्टूडेंट 360 डिग्री होगा, ये अपने सब जानते हैं।
360। अब ये देखिए 3D से 3D कैंसिल हो चुका है, ये D से D कैंसिल हो चुका है, तो 4A बराबर 360, A बराबर 90, A का मान आ चुका है 90, ठीक है। अब D का मान निकालूंगा, उसने सारवंतर 10 बताया है। सारवंतर क्या होता है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, D होता है कि दूसरा पद माइनस, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाऊंगा, तो सब्सट्रैक्ट करके देखिए, ए से ए कैंसिल हो चुका है, ये कितना था 10, सारवंतर 10 आना था, 2D बराबर 10, D बराबर 5, A बराबर 90 और D बराबर 5, तो यहाँ मान पुट कर दीजिए। मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, चतुर्भुज के सभी कोण समांतर श्रेणी में है, तो मैंने सभी कोण जो चार कोण होते हैं, अगर चार कोण है तो अपने पास ये सीरीज बना के एज्यूम करके देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये एज्यूम कर ली मैंने, ठीक है। उसके बाद उसने क्या है, सारवंतर, सारवंतर क्या होता है, सेकंड टर्म में से अपने क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म घटाते हैं, यही डी होता है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, तो मैंने कॉमन डिफरेंस 10 लिख लिया, तो यहाँ से डी का मान 5 आ चुका है। अब देखिए ए का मान 90 और डी का मान 5, तो अपने यहाँ से मान पुट कर सकते हैं, 75, पहला कौन 75, दूसरा कौन कितना है 90 माइनस 5 85, ठीक है ये भी हो चुका है। अब कहता है कि 90 प्लस 5 95, ये भी कौन हो चुका है, अब ये कितना आ गया 90 प्लस 15 105, ये भी हमारा हो चुका है, तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री, ये हमारे चारों कोण है, ठीक है स्टूडेंट। ये थी हमारी एपी की सेकंड पार्ट, इसके बाद दो पार्ट और बनेंगे एपी के, उसके बाद अपने जीपी स्टार्ट करेंगे, जीपी के भी इतने पार्ट बनेंगे, फिर अपने एचपी स्टार्ट करेंगे, एचपी के दो पार्ट बनेंगे क्योंकि वो कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपी और जीपी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जबकि आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखा है। इसी प्रकार की घंटी होगी, आपको घंटी को ऑन करना होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, सब्सक्राइबर बटन के साथ होगी इस प्रकार की घंटी, आप इसको ऑन कर लें। धन्यवाद।